अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया था। आज हम दूसरा जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दो ग्रीक वर्ड से निकला है ये हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोस एंड ट्रॉफी। हेटेरोस मीन्स अदर एंड ट्रॉफी मीन्स न्यूरिशमेंट। तो यहाँ से इसकी लिटरल मीनिंग से ही पता चलता है ये ऑर्गेनिजम्स अपना गुज़ा, अपना फूड ऑब्टेन करता है फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स से, चाहे वो डेड हो या लिविंग हो। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, न्यूट्रिशन में इन विच organisms obtain their food from other dead or living organisms से, जो वो mode of nutrition जहाँ पे ऑर्गेनिजम्स अपना गुज़ा हासिल करते हैं, अपना फूड हासिल करते हैं फ्रॉम अदर डेड और लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिन ऑर्गेनिजम्स में हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉप्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच शो द हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉफ्स। और इन हेटेरोट्रॉफ्स को एक और नाम से दे आर आल्सो कॉल्ड एज कंज्यूमर्स। इसलिए कहते हैं इनको बिकॉज दे कंज्यूम द फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग। हेटेरोट्रॉफ्स मैं एक और बात मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, हेटेरोट्रॉफ्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स, दैट इज द प्रोड्यूसर्स। आप चाहे अपनी ह्यूमन बींग्स की एग्जांपल, चाहे आप हम सब्जी खाएं तो वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, दैट इज द प्रोड्यूसर। हम गोश्त खाएंगे, भेड़ का गोश्त खाएंगे, तो भेड़ खुद बड़ा हुआ है जब उसने घास खाया है। तो हम पहले पर अगर हम सब्जी खा रहे हैं तो वी आर डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द प्रोड्यूसर। इफ़ वी ईट द फ्लैश ऑफ और द मीट ऑफ द दिस शीव, तो हम उस वक्त इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं ऑटोट्रॉफ्स पे। अगर हम देखेंगे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स कैसे ऑब्टेन करते हैं दिस फूड ऑन द बेसिस ऑफ दिस, हाउ द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर ऑर्गेनिजम्स, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन और देयर आर थ्री डिफरेंट वेज हाउ द ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन द फूड। नंबर वन इज that is saprotrophic nutrition। Number second is parasitic nutrition, and number third is होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। चलिए पहले वन पे आ जाते हैं, दैट इज द सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन पे। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, वो टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स डिराइव करेंगे, हासिल करेंगे अपना गुज़ा फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये सैप्रोफिटिक, यहां पे ऑर्गेनिजम्स डिराइव
derive their food from dead and decaying organic matter of plants and animals. ये ऑर्गेनिज्म ये जो सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है इसमें ऑर्गेनिज्म अपना गुजा डिराइव करते हैं मरे हुए या जो डिके हुआ है ऑर्गेनिक मैटर किसका प्लांट्स और एनिमल्स का. इनको हम दीज ऐसे ऑर्गेनिज्म्स को हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स सेप्रोट्रॉफ्स. और इन सेप्रोट्रॉफ्स को हम एक और नाम से बुलाते हैं. दे आर कॉल्ड एज स्केवेंजर्स ऑफ नेचर. किनको हम कहते हैं सेप्रोट्रॉफ्स जो सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं. इनको किस लिए हम स्केवेंजर्स ऑफ नेचर कहते हैं बिकॉज ये हमारे इन्वायरमेंट से वेस्ट्स को रिमूव करते हैं डेड मटेरियल्स को रिमूव करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट में हमारे माहौल को साफ कर देते हैं. इनको स्केवेंजर्स ऑफ नेचर कहते हैं बिकॉज दे रिमूव वेस्ट्स एंड डेड मटेरियल्स and clean our environment. तो ये तो हो गया सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दूसरा जो मैंने बताया था हिटेरोट्रॉफिक में वो होता है दूसरा जो है पैरासिटिक न्यूट्रिशन. इस न्यूट्रिशन में पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर और अंदर बैठ के अपना गुजा हासिल करेगा. जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ऑब्टेन करेगा बाय लिविंग ऑन और इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर ऑर्गेनिज्म उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैरासाइट. और जिस पे वो बैठेगा या जिसकी बॉडी के अंदर वो बैठेगा उसको हम कहते हैं होस्ट. तो इस न्यूट्रिशन में पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वायर वन ऑर्गेनिज्म जिस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम पैरासाइट लिव इन और लिव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अदर ऑर्गेनिज जिन पे रहते हैं उनको हम कहते हैं होस्ट्स. अब डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी इन पैरासाइट्स की लोकेशन कहाँ पे होती है होस्ट की बॉडी पे. क्या ये होस्ट में बॉडी के उनके बॉडी के ऊपर होते हैं या बॉडी के अंदर होते हैं. पैरासाइट्स उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड किया. पैरासाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट. There are two types of parasites, ectoparasites and endoparasites.
पैरासाइट्स, एंडो पैरा एक्टो पैरासाइट्स जिसको दूसरे नाम से हम बुलाते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट्स, और एंडो पैरासाइट्स को हम इंटरनल पैरासाइट्स के नाम से भी पुकारते हैं, इंटरनल पैरासाइट्स। एक्सटर्नल पैरासाइट्स और एक्टो पैरासाइट्स, दीज पैरासाइट्स लिव ऑन द सरफेस ऑफ होस्ट बॉडी, लिव ऑन द सरफेस ऑफ द होस्ट बॉडी। ये होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है, एग्जाम्पल हमारे पास है लीच है, बेडबग, लीच, बेडबग, मॉस्किटो, दीज लिव ऑन द बॉडी ऑफ द देयर होस्ट, और इनको हम कहते हैं एक्टो पैरासाइट्स। और ये इंडो पैरासाइट जो होते हैं दे लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ एन होस्ट बॉडी, लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट, होस्ट के बॉडी के, और इनको मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पे इनसे दे आर इनसे डिजीज होती है, दे आर डिजीज काजिंग, इनसे डिजीजेस हो सकते हैं, इसीलिए इनको हम कभी पैथोजेनस भी कहते हैं। और एग्जांपल्स कौन से हैं, फॉर एग्जांपल आपको पता है प्लास्मोडियम नाम सुना है, प्लास्मोडियम एक प्रोटोजोन है जिससे मलेरिया डिजीज होती है, ट्रेपेनोसोमा है, ट्रेपेनोसोमा है जिससे एक डिजीज होती है जिसको हम कहते हैं स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। और एस्कैरियस का तो नाम सुना होगा सबू ने, एस्कैरियस हमारे इंटेस्टाइन्स में होता है और उससे भी एक डिजीज होती है, दैट इज कॉल्ड एन एस्कैरियसिस।